खबर है मिर्जापुर से। आशा संगिनी वर्क्स महिलाओं द्वारा जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन पत्र सौंपते हुए बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन देश में लगभग 11 लाख आशा वर्क्स एवं लगभग 1 लाख आशा संगिनी वर्क्स कार्यरत है। इसमें से उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख आशा वर्क्स एवं लगभग 10,000 आशा संगिनी वर्क्स ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, सर्वे, टीकाकरण, स्वच्छता, जच्चा बच्चा देखभाल, संस्थागत प्रसव कराने के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित 4 दर्जन से अधिक मदों में कार्य करते हैं, जिसके लिए इन्हें कोई मानदेय अथवा वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि अल्प प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। आशा संगिनी के कार्यों से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। इनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए सरकार एवं समाज दोनों इन्हें स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी मानते हैं, लेकिन यह भी सच है कि सरकार इनकी जीविका एवं परिवार के भरण पोषण पर उचित ध्यान नहीं देती है। 2017 में प्रदेश में जब भाजपा सरकार बनी तो इन कर्मचारियों को काफी उम्मीदें थी कि उचित मानदेय वेतन मिलेगा, लेकिन अभी तक निराशा ही हाथ लगी। बावजूद इसके कोविड के दौरान आशा संगिनी वर्क्स खुद को खतरे में डालकर पूरी ईमानदारी एवं लगन के साथ सरकार के आदेशों का पालन किया और समाज को कोविड से बचाने की अहम भूमिका अदा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड्डू खान। जी, हमारी 11 सूत्री मांगे हैं आशा संगिनी की। जो हम लोग काम करते हैं दिन रात, उसके एवज में सरकार हमें कुछ भी नहीं देती है। यहाँ तक कि मजदूर भी नहीं घोषित की है सरकार की तरफ से। मजदूरों का सरकार वेतन बना दिया है न्यूनतम वेतन, लेकिन हमारी आशा फैसिलेटर बहनों का कुछ भी नहीं बनाया है। आज का कार्यक्रम जो हो रहा है, पूरे देश में एक साथ एक कार्यक्रम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को जगाने का काम कर रहा है संगठन। अगर नहीं जागते हैं तो हमारी यही भीड़, यही शक्ति, पूरे देश की शक्ति मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी को जगाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को जगाएगी। समय के हिसाब से हमें बदलना है, सरकार को भी बदलना है। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करती है तो हमारी ये धरना प्रदर्शन और जोर शोर से चलता रहेगा। धन्यवाद। मैं अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय महामंत्री हेमलता सिंह।